ये तो बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन है। ध्यान तो अलग अलग तरीके होते हैं। ध्यान सहज मार्ग में हम ईश्वर पे करते हैं, ईश्वरीय प्रकाश। यदि हमारा ध्यान कहीं और रहेगा तो वहां हमारी एनर्जी चली जाएगी। से किसी को बेवकूफ बनाना है, किस और किसी को तंग करना है, या आप किसी से तंग हो रहे हो उसके बारे में जब आप ध्यान करते हैं बार बार, मीनिंग उसके बारे में सोचते रहते हैं, तो ये नेगेटिव जो है और पॉजिटिव ऑल्सो, बट इट हैज नथिंग टू डू विथ डिवाइन लाइट और डिवाइन प्रेजेंस। तो वो शक्ति खींच लेता है अपने से। जैसे बाबूजी का बहुत फेमस स्टेटमेंट है कि ट्रांसमिशन जिसको मिलता है ना, यदि वो चोर होगा तो पक्का चोर हो जाएगा, उसको पकड़ने में बहुत मुसीबत होगी। हम लोग भी खास करके जो मेडिटेटिव माइंड है, यदि गलत रास्ते पे चल गया तो वो उसका जो स्पीड है बहुत फास्ट होता है ऐसे। तो ये डबल एज रेजर बोलते हैं ना, डबल एज स्वॉर्ड कहो या डबल एज रेजर कहो, दोनों तरफ काम आता है ऐसे। आप क्या चाहते हैं, यदि आप में आप सही में अपने में बदलाव लाना चाहती हो तो भगवान भी नहीं रोक सकेगा आपको। भगवान तो हमेशा सपोर्ट देता है। आप खराब काम करो तो आपको थोड़ी मारने वाला है भगवान, मारेगा नहीं, उसमें भी आपको सपोर्ट देगा। ये कैसा सपोर्ट है कि ईश्वर चाहता था तो हमसे वो जान ले लेता था। यदि हम कुछ गलत करते तो वो बोलता, चलो तेरी जान वापस ले लेता हूँ, तू तो बहुत गलत करती है काम। तो उसमें भी उन्होंने फ्रीडम दी हुई है, ऐसे फ्रीडम ऑफ चॉइस। ये फ्रीडम ऑफ चॉइस जो बना है उसकी वजह से हमारी नियति बनती रहती है, हमारा भविष्य बनता रहता है। ऐसे जैसे काम करते हैं वैसा ही उसका फल, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो दूसरी जिंदगी में तो आएगा ही। तो पहले हमें नक्की करना, सही में हमें अपने में बदलाव लाना है कि नहीं, कौन सा बदलाव लाना है। तो इसलिए हम रात को प्रार्थना करते हैं मालिक से कि आज हमने जो कुछ भूल की माफ कर देना, आइंदा हम नहीं करेंगे। तो ये प्रॉमिस हम देते हैं क्या, आइंदा हम नहीं करेंगे, और शायद बार बार भी हो जाए तो फिर से प्रार्थना करो कि हमारे में ये वीकनेस बहुत है, आपकी मदद चाहिए। इतना तो कन्फेस करना पड़ेगा ना थोड़ा हमको बदलने के लिए। तो ध्यान करते हैं सुबह, शाम को सफाई करते हैं और खुद को अपने हृदय में देखते हैं हमने क्या क्या गड़बड़ किया आज, और उसको सही ढंग से उसका सुलझाव लाना है ऐसे। ऐसा नहीं कि कोई देखता नहीं है इसलिए मैं करता ही जाऊं करता ही जाऊं, कोई भी ना देखे तब भी हमें अच्छी तरह से रहना चाहिए उसे। मैंस कैरेक्टर इज नोन बाय हिज बिहेवियर व्हेन ही इज डूइंग थिंग्स व्हेन नोबडी इज वाचिंग, दैट इज अ ट्रू टेस्ट ऑफ अ पर्सन। से